नमस्कार, एक नज़र पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। आज की खबरें इस प्रकार। हमुमो धनबाद जिला समिति द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में जिला परिषद मैदान धनबाद में बदलाव रैली आम सभा का आयोजन किया गया। हजारों लोगों की भारी भीड़ के बीच बदलाव यात्रा सह आम सभा को संबोधित किया। उप निर्माण योजना ने बनाया टुंडी की ललिता देवी को स्वावलंबी महिला होने की मिसाल। जिला जनसंपर्क कार्यालय के सौजन्य से जिला मुख्यालय के पत्रकारों को टुंडी प्रखंड का भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान पत्रकारों के दल को कमारडीह पंचायत के ऊपर भोजुडीह का भ्रमण कराया गया। 13 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड परिसर में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष प्रेम कुमार शाह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन के उपरांत राज्यपाल के नाम 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी साधुचरण देवगम जामा को सौंपा गया। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र ने चलाया जन जागरूकता अभियान, ग्रामीणों को दी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। जामा प्रखंड अंतर्गत लगला व 12 पंचायत के पंचायत भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की टीम के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र के कर्मी मानस कुमार दत्ता व जनसंवाद मुख्यालय प्रतिनिधि अभिषेक ठाकुर ने ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जो विकास के अवरुद्ध करेगा वह जेल जाएगा। मुख्यमंत्री 2022 तक राज्य के किसानों की आय दोगुनी करना लक्ष्य। देश एवं राज्य में डबल इंजन की सरकार हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम कर रही है। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के विजय मांझी स्टेडियम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया किसानों को संबोधित। विष्णुगढ़ 7 मील स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रखंड के अनेक शिक्षण संस्थानों में मेरा भारत हरित भारत कार्यक्रम के तहत अनेकों पेड़ लगाए गए। हरित भारत अभियान के तहत इंटर कॉलेज विष्णुगढ़, कस्तूरबा विद्यालय, डीएम महतो बीएड कॉलेज बनासो में वृक्षारोपण किया गया। विष्णुगढ़ प्रखंड में गणेश उत्सव की धूम से पूरा क्षेत्र हुआ भक्तिमय। श्री श्री सार्वजनिक गणपति पूजा समिति के सदस्यों ने पूरी श्रद्धा भक्ति से प्रथम पूज्य गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। विष्णुगढ़ नवादा पंचायत के मुखिया यशोदा देवी को 10,000 घूस लेते एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। साथ ही देवर को भी गिरफ्तार किया गया। जेएसएलपीएस की कंचनपुर क्लस्टर संगठन का एजीएम बैठक अजधीर के शुक्रवारी बाजार में हुई संपन्न। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गठित कंचनपुर क्लस्टर संगठन का वार्षिक आम बैठक कटकमसांडी प्रखंड के लपुंग पंचायत स्थित अस्थिर ग्राम अवस्थित शुक्रवारी बाजार मैदान परिसर में संपन्न हुआ। एनके एरिया सीसीएल द्वारा डकरा में ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन। 6 को खिलाड़ी एनके एरिया सीसीएल द्वारा CSR के तहत 6 सितंबर से डकरा में ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह जानकारी एनके एरिया महाप्रबंधक कार्यालय सभागार हॉल में दी गई। मसलिया थाना क्षेत्र के सापचला पंचायत अंतर्गत अजमेरी गांव में मंगलवार रात LPG सिलेंडर में लगी आग। बाल बाल बचे परिवार वाले। बताया जा रहा है कि अजमेरी के रीना देवी पति विजय बाउरी को कुछ दिन पहले ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बदलाव यात्रा जामताड़ा के यज्ञ मैदान में झामुमो का बदलाव यात्रा सह एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को नाला विधायक रविन्द्रनाथ महतो के नेतृत्व में अजय ब्रिज से हजारों मोटरसाइकिल के साथ विशाल मोटरसाइकिल जुलूस के साथ दुमका रोड स्थित यज्ञ मैदान के मंच पहुंचे तथा झामुमो जिला कमेटी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मामले की जांच में जारंगडी पहुंचे बेरमो SDPO लिया उपस्थित लोगों का बयान। मंगलवार के रात्रि जारंगडी में हुई भगदड़ तथा पुलिस के लोगों के साथ हंगामा पर घटना के सुबह बुधवार को बेरमो SDPO सतीश चंद्र झा जारंगडी पहुंचकर मामले की जांच की तथा कई लोगों से जानकारी ली।
शौचालय के अभाव को देख बेरमो प्रखंड के 19 पंचायतों की जल सहयाओं ने बनासो मंदिर परिसर में शौचालय निर्माण को लेकर किया शिलान्यास। बेरमो प्रखंड अंतर्गत जारंगी उत्तरी पंचायत के कुनार नदी तट पर स्थित मां बनासो मंदिर परिसर में शौचालय के अभाव को देखते हुए बेरमो प्रखंड के 19 पंचायतों की जल सहयाओं ने शौचालय निर्माण का निर्णय लिया। अवैध कोयला की तस्करी पर बोकारो थर्मल पुलिस की छापेमारी। अवैध कोयला की तस्करी पर बुधवार को बोकारो थर्मल पुलिस के द्वारा जारंगली 16 नंबर व मांझी टोला में छापामारी अभियान चलाकर लगभग 75 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयला को कांटा कराकर जारंगली परियोजना प्रबंधन को सौंपा गया। तो ये थी एक नज़र पूरी खबर। देखते रहिए खबर 365 न्यूज़। मैं संजय, नमस्कार।